एसआरके ने बढ़ाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टेंशन। बीजेपी के बहाने हुड्डा को दिखाई ताकत। बहुत जल्द उफाड़ होगी हरियाणा कांग्रेस। हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस एक्टिव मूड में आ गई। चार अलग अलग खेमों में बटी कांग्रेस अब दो खेमों में दिख रही है। रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी सैलजा की एकजुटता ने सबको चौंका दिया। ये तीनों पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा विरोधी माने जाते हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा का माहौल है। हुड्डा विरोधी खेमे के एक सताने से राज्य की राजनीति पर क्या असर होने वाला है? आखिर एक दूसरे के खिलाफ रहने वाले हुड्डा के खिलाफ एकजुट क्यों हो गए हैं? कुमारी सैलजा ने हुड्डा का क्या कहकर मजाक उड़ाया? क्या कांग्रेस के अंदर खेमेबाजी पार्टी को ले डूबेगी, दो फाड़ कर देगी? जानकारों का मानना है इसके पीछे मुख्य रूप से तीन वजहें हैं। आखिर वो तीन वजहें कौन सी हैं? क्या कांग्रेस में चुनाव से पहले हो जाएगी बगावत? क्या इसका फायदा भाजपा को मिल सकता है या कांग्रेस आलाकमान मोर्चा संभाल लेगी? हम आपको एक एक सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कांग्रेस के दिग्गज नेता शैलजा ने हुड्डा पर किया कटाक्ष। हरियाणा कांग्रेस में किरण सैलजा और रणदीप सुरजेवाला की तिगड़ी ने विरोध प्रदर्शन के बहाने भिवानी में शक्ति प्रदर्शन किया। हालांकि रणदीप सुरजेवाला राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव कमर में चोट लगने की वजह से नहीं पहुंचे, मगर उनके भाई सुदीप सुरजेवाला ने प्रदर्शन में शिरकत की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव कुमारी सैलजा ने भाजपा सरकार पर जनविरोधी होने का आरोप लगाते हुए मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा किया। साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने पर कटाक्ष करते हुए कहा, यह हाईकमान को तय करना है, कांग्रेस में मैं और मेरा राजनीति नहीं चलती। भिवानी में मीडिया से बातचीत में कुमारी सैलजा ने कहा, भीषण गर्मी में इतनी भीड़ का मतलब है लोगों के मन में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का जज्बा है। इस बार भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से श्रुति चौधरी सांसद बनेंगी और भिवानी की सभी सीटें विधानसभा चुनावों में कांग्रेस किरण के नेतृत्व में जीतेगी। वहीं इस दौरान कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर देखने को मिली। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने के बयान पर सैलजा ने कटाक्ष किया और साथ ही चुटकी ली। उन्हें कहा, यह उनकी इच्छा है, पर हमारी इच्छा कांग्रेस को मजबूत करने की है। सैलजा ने कहा, सीएम कौन होगा यह हाईकमान को तय करना है। एक सवाल के जवाब में सैलजा ने कहा कि हुड्डा की हिसार रैली में क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, मुझे बुलाया नहीं गया। हरियाणा कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है उसकी तीन वजहें हैं। हरियाणा की राजनीति में अब तक हुड्डा परिवार की चलती आई है। इस परिवार पर कई तरह के मनमानी के आरोप लगते रहते हैं। चार गुटों में तीन गुट ने एक साथ आकर एकजुटता का दिया संदेश। हरियाणा कांग्रेस में एकजुटता का संदेश, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मनमानी पर लगाम, संगठन पर पकड़ और केंद्रीय नेतृत्व को संदेश। हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता। हरियाणा कांग्रेस में फिलहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ा कोई नेता नजर नहीं आता। हुड्डा के आगे हाईकमान को भी झुकना पड़ा है कहा जा रहा है। आगे भी हुड्डा की ही मनमानी पड़ सकती है भारी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में हाईकमान के सामने अपनी मनमर्जी चलाते रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं का ग्राफ काफी नीचे आया जो कांग्रेस के लंबे समय से स्तंभ रहे। इनमें सबसे प्रमुख कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी हैं। लोकसभा और फिर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बढ़ते वर्चस्व को कम करने के लिए इन नेताओं ने सक्रियता बढ़ा दी है। सैलजा, सुरजेवाला और किरण चौधरी को क्यों होना पड़ा एक? पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से टक्कर अकेले कोई एक नेता नहीं ले सकता, इसलिए तीनों ने एकजुट होने की ठानी। हालांकि ये पहली बार जब तीनों नेता एक साथ नजर आए और कई मौकों पर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मीडिया ने जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अनुपस्थिति की बात पूछी तो उन्होंने हर बार गोलमोल जवाब दिया। तीनों नेताओं ने पहले 4 जुलाई को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, हम कांग्रेस के सिपाही हैं और हमें मछली की आंख दिख रही है। अपने गुट के नेता को टिकट दिलाने के लिए कर रहे शक्ति प्रदर्शन। तीनों नेताओं के विधानसभा चुनाव के लिए टिकट तो पक्का है, लेकिन अपने गुट के नेताओं के टिकट पक्का कराने के लिए अब वे शक्ति प्रदर्शन करने में लगे हैं, जिसे टिकट बंटवारे के समय वो अपने खास नेताओं का ख्याल रख सकें। इन्हें इस बात का भी डर है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ न सिर्फ मौजूदा विधायकों की लंबी फहरिस्त है, बल्कि उनके गढ़ में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अच्छी पहुंच है। दूसरी बात यह भी है कि भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की भी आपस में बहुत अच्छी बनती है। इसका तोड़ कैसे निकाला जाए, इसकी जुगत में भी ये तिकड़ी काम कर रही है।